मिरेकल बेबी हैं शाहरुख खान के बेटे अबराम खान। वक्त से पहले ही हो गया था अबराम का जन्म। जन्म के वक्त सही से नहीं धड़क रहा था दिल, वजन था सिर्फ 1.5 किलो। तो एक महीने तक अस्पताल में लड़ी थी जिंदगी की जंग। अबराम खान नाम तो सुना होगा आपने, और भला कैसे ना सुना होगा। आखिर बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर स्टार किड्स में से एक हैं शाहरुख खान के छोटे शहजादे अबराम खान, जो अपनी मासूमियत और क्यूटनेस से हर किसी का दिल जीत लेते हैं। माँ गौरी खान की आंखों का तारा हैं, तो बादशाह ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान के दिल का टुकड़ा हैं अबराम। और हाँ, बड़े भैया आर्यन खान और बहन सुहाना भी अपने बेबी ब्रदर पर जान छिड़कते हैं। 11 साल के अबराम सिर्फ खान परिवार ही नहीं बल्कि शाहरुख की पूरी फैन आर्मी के भी फेवरेट हैं। कुछ फैंस तो ऐसे भी हैं जो अबराम को शाहरुख खान का लकी चार्म बताते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 11 साल के अबराम सिर्फ अपने पापा शाहरुख के लकी मैस्कॉट ही नहीं बल्कि मिरेकल बेबी भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मिरेकल बेबी हैं अबराम खान, जिन्होंने जन्म लेते ही जिंदगी के लिए जंग लड़ी और जीते भी। बता दें कि अबराम खान प्रीमेच्योर बेबी हैं, जहां अपने दोनों बड़े बच्चों आर्यन और सुहाना को खुद गौरी खान ने जन्म दिया था, वहीं अबराम का जन्म सेरोगेसी के जरिए हुआ था। दरअसल गौरी और शाहरुख ने दोनों बच्चों के जन्म के लंबे टाइम बाद पेरेंट्स बनने का फैसला लिया था। अपने तीसरे बच्चे के लिए कपल ने सेरोगेसी का सहारा लिया, जिसके पीछे बड़ी वजह दोनों की बढ़ती उम्र थी। 27 जून 2013 को शाहरुख और गौरी खान के घर में अबराम का जन्म हुआ। तब एक्टर 47 साल के थे तो गौरी खान 42 साल की। गौरतलब है कि अबराम का जन्म डिलीवरी डेट से काफ़ी पहले हो गया था। अबराम को जन्म के वक्त काफ़ी मुश्किल हुई थी। जन्म से पहले अबराम खान का दिल सही से नहीं धड़क रहा था। डॉक्टर्स बच्चे के दिल की गति को लेकर आश्वस्त नहीं थे, इसलिए अबराम को जन्म के वक्त बाहर निकालने के लिए एक वैक्यूम डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था। बताया जाता है कि प्रीमेच्योर बेबी होने की वजह से अबराम खान को मुंबई के नानावती अस्पताल में 1 महीने के लंबे वक्त तक रखा गया था। इसके बाद ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भी कुछ दिन तक अबराम का इलाज चला था, और जब नन्हे अबराम पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, उसके बाद ही शाहरुख और गौरी अपने नन्हे बेटे को अपने जन्नत जैसे घर मन्नत ले जा सके थे। बता दें कि शाहरुख और गौरी खान ने अपने बेटे का नाम भी काफी सोच समझ कर रखा है। अबराम एक खास शब्द है जो कि राम और इब्राहिम से मिलकर बना है। बात करें अबराम खान की, तो बता दें कि 11 साल के अबराम खान धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट हैं। आर्यन और सुहाना ने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की है। अबराम खान ताइक्वांडो सीख रहे हैं, जिसमें वो कई मेडल्स भी जीत चुके हैं। अबराम एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर भी हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ ही अबराम स्कूल की कल्चरल एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेते हैं। साथ ही लिटिल अबराम क्रिकेट के भी दीवाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।